का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। मुझे बताओ युवाओं, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव रहो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? हेलो हेलो हेलो, May I now invite Sri Amit Shahji to join Arnab Goswami on stage for a brief interaction. Friends, दोस्तों, सियासत के हर संकट का समाधान जिनके पास है, द वन हु इज द मास्टर ऑफ चेकमेटिंग एवरी पॉलिटिकल एंड ऑपोजिशन मूव। विपक्ष की सियासी सोच पर जो सबसे कड़ी चोट करते हैं, द वन हु इज नोन इन द कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड टुडे एज द मॉडर्न डे चाणक्य ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, हमारे साथ आज, वी आर वेरी प्रिविलेज, वी आर वेरी प्राउड, वी आर वेरी हैप्पी अमित शाह जी। And we have waited for this a long time, that from your busy schedule, your very, very busy schedule, you have taken time to be with us at the Republic Network Summit. So, bahut bahut dhanyawad, and let us start with a round of applause for it. Amit Shah ji, we are very happy today. We are very happy. Bahut sawal hue the aaj ki will he make it, will he come? He's so busy, there is a cabinet meeting, Prime Minister is in Jammu and Kashmir, but you are here and we are very happy. And we want to speak to you openly. And a lot of people are watching this. Aaj hamare sub channels mein streaming sab log dekh rahe hain. So I'll start with my first question, Amit Shah ji. Lok Sabha chunav ke liye 195 BJP umidwaron ki list abhi aa chuki hai. Aur Pradhan Mantri ji ne 370 seat ki target fix ki hai. Aur NDA ka apna target 400 ka hai. सवाल मेरा यह है अमित शाह जी कि ये जो टारगेट है, ये लक्ष्य जो है, ये सेंटिमेंट्स को लेकर है, उसके आधार पर है, या फिर कोई स्टेट टू स्टेट डिटेल्ड पॉलिटिकल मैपिंग भी की गई है? इस पर आप अगर कुछ हमारे साथ जानकारी हमें साझा करें तो वी कैन स्टार्ट विद दैट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीति में विजय प्राप्त कर सत्ता प्राप्त कर लंबे समय तक सरकारें बनाने के लक्ष्य से नहीं है। हम राजनीति में जब से हमारी पार्टी की स्थापना हुई, तब से आजादी के आंदोलन के वक्त से जो लोग भारत को जानते थे, उनकी कल्पना के भारत बनाने के लिए हम राजनीति में आए। लाखों लोगों ने बलिदान ऐसे भारत के लिए नहीं दिया था जिसकी दुनिया में कोई पूछ न हो, ऐसे भारत के लिए नहीं दिया था जो असुरक्षित हो, अशिक्षित हो, इसका दो तिहाई हिस्सा दारुण गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करता हो और विश्व में इसका कोई सम्मान न हो, ऐसे भारत के लिए आजादी का आंदोलन नहीं लड़ा। आजादी का आंदोलन एक सशक्त, समृद्ध, सुरक्षित, शिक्षित और विश्व गुरु के स्थान पर बैठे हुए भारत की रचना के लिए लड़ा गया था और उसी लक्ष्य के लिए हम राजनीति में हैं और उसी लक्ष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। जहां तक ये सीटों का सवाल है, जब से हम पार्टी बनाए तब से लेकर आज तक, 1950 से आज तक, हम जो कल्पनाएं लोगों के सामने रखे थे, हमारा एजेंडा लोगों के सामने रखे थे, इसकी पूर्ति के लिए जब इस देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का मौका दिया, मोदी जी पर भरोसा किया,
मोदी जी को दो टर्म पूर्ण बहुमत का सरकार दिया, तब ये 10 साल हमने इसके लिए काम किया है। और मैं मानता हूं कि आजादी से लेकर अब तक के इतिहास में ये 10 साल भारत के विकास की दृष्टि से, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से और भारत के विश्व में गौरव को बढ़ाने की दृष्टि से ये भारत का स्वर्णिम काल रहा है। मगर मैं आज ये भी कहना चाहता हूं देशवासियों से, ये फुल स्टॉप नहीं है, ये शुरुआत है। अच्छा समय आने वाला है और अच्छा समय आने वाला है, और इसके लिए ये जो प्रयास हमने 10 साल किया है, जो प्रचंड जन समर्थन देश भर में आज नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को मिल रहा है, मैं देश के कोने कोने में गया हूं। चुनाव के पहले ही मैंने 136 सीटों का विजिट करा है। मैं आपको बता सकता हूं कि देश के कोने कोने से नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में जनता खड़ी है। इसी के आधार पर हमने 370 के आंकड़े का लक्ष्य रखा है, 400 पार के आंकड़े का लक्ष्य। ये लक्ष्य हमारा वास्तविक भी है, और मैं आज बड़े विश्वास के साथ देश की जनता को कहने वाला हूं कि आप एक बार आपके मन में जो आशीर्वाद पड़ा है, प्यार पड़ा है, उसको मत में परिवर्तित कर दीजिए। 400 पार देखते देखते हो जाएगा और एक मजबूत सरकार बन जाएगी। अगला सवाल मेरा अमित शाह जी शब्दों के संयम पर है। वैसे नेताओं का स्टैचर जितना बढ़ता है संयम भी बढ़नी चाहिए, मगर लालू प्रसाद यादव जी ने हाल ही में एक बहुत ही विवादित बयान दिया था, जिस पर पिछले दो तीन दिन से इस पर ही बहुत डिबेट हो रही है। उन्होंने कहा था कि मोदी जी का परिवार ही नहीं है, हर चुनाव के पहले क्या जान पूछ कर ये सेल्फ गोल किए जाते हैं? पिछले 3 चुनाव में पहले हमने देखा चाय वाला, फिर हमने देखा चौकीदार चोर है, और अब ये कि मोदी जी का परिवार नहीं है। तो पिछले 3 चुनाव में कुछ ऐसे ही दिखने को मिला है, तो ऐसे विपक्ष पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह की बातें वो ही लोग कर सकते हैं जिनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसी ओछी बातें कर देश की राजनीति को, उसके स्तर को गिराने का जो काम कर रहे, हर बार जनता उसका जवाब देती है। परंतु मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैंने मोदी जी को बहुत करीब से देखा है, कई सालों से उनके साथ काम किया है। लालू जी ने एक मायने में सही ही कहा है कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। परिवार जिनका होता है वो बेटे बेटियों को प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास करता है, मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करता है, सत्ता पर बिठाने का प्रयास किया है। इस व्यक्ति ने 40 साल से केवल और केवल देश की जनता के लिए काम किया है। 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बाद भी मैंने एक दिन छुट्टी लेते हुए उनको नहीं देखा है। सुबह 5 बजे से रात को 1 बजे तक अहर्निश काम काम काम, एक दिशा में काम और सेल्फलेस काम करते हुए मैंने देखा है। और इसी का परिणाम है कि उनके नेतृत्व में इतनी बड़ी कैडर खड़ी हुई है, इतने सारे नेताओं की श्रृंखला खड़ी हुई है, एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, और देश आज दुनिया में सर्वप्रथम बनने के लक्ष्य के साथ संकल्प लेकर 2047 में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास भरकर देश आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया कोई भी समस्या हो, पर्यावरण की हो, आतंकवाद की हो, इथेनॉल ब्लेंडिंग की हो, या दुनिया में आए हुए विखवादों और विवादों की समस्या हो, हर समस्या में दुनिया राह देखती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, और जो कहते हैं वो ट्रेंड बनता है, जो कहते हैं उसको पूरी दुनिया स्वीकार करती है। और मैं मानता हूं कि लालू जी कभी ये राजनीति नहीं समझ पाएंगे, कि परिवारवादी पार्टियां कभी ये राजनीति नहीं समझ पाएंगी, क्योंकि इनके जीवन का लक्ष्य कभी भी देश नहीं रहा है, देश का गरीब नहीं रहा है, देश की जनता नहीं रही है,
देश का सम्मान नहीं रहा है, उनका लक्ष्य केवल और केवल अपने बेटे बेटियों को राजनीति में उच्चस्थ स्थान पर बिठाना रहा है। वो सहन ही नहीं कर सकते कि गरीब घर का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा, जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई जाति का बैकग्राउंड नहीं है, वो इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री बनेगा, दो बार बनेगा, तीन बार बनेगा और सफल प्रधानमंत्री बनकर देश को महान बनाएगा। वो सहन ही नहीं कर सकते। अमित शाह जी, एक गंभीर मुद्दा है जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, जो जांच एजेंसियों के साथ जो अभी हो रहा है और ये सेंटर स्टेट रिलेशन से भी लिंक्ड है। हाल ही में बंगाल में संदेश खाली में ईडी की टीम जब गई तो उन पर हमला हुआ और हमलावर ने कबूला कि हाँ हमने हमला करवाया, हमने लोगों को लेके हमने एक मर्डरस अटैक करने की कोशिश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर, और ऐसे लोगों को समर्थन भी मिलता है वहां के जो रूलिंग पार्टी है स्टेट की। ईडी के समन भेजे जाते हैं मगर नेता हाजिर नहीं होते। इससे एक बुरा ट्रेंड देश पर भी जाता है। अरविंद केजरीवाल को अब तक 8 समन भेजे गए, 8 समन, और कई राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने रूल्स को चेंज करके सीबीआई को नहीं घुसने दिया। यह बहुत सीरियस मामला है और अगर यह झगड़ा और बढ़ जाए तो इसके बहुत इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, तो आप इसको कैसे रोकेंगे? आप पत्रकार हो, आपको लगता है कि ये समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी, देश गंभीर संकट में आ जाएगा? मुझे कोई डर नहीं है। डेमोक्रेसी में हर चीज का जवाब जनता दे देती है, जनता सब देखती है। अगर बंगाल में किसी के घर से 52 करोड़ रुपया इकट्ठा मिल जाता है, झारखंड में किसी के घर से 355 करोड़ रुपया कैश मिल जाती है, 25 मनी मशीन कैश गिनते गिनते गर्म हो जाते हैं और ये कहते हैं हम पर एक्शन न लो, क्या कह रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपीए सरकार के खिलाफ 40 केस सिर्फ यूपीए को रजिस्टर करने पड़े। हम ऑपोजिशन में थे, संसद में मामले उठाते थे, पीआईएल लगाते थे, कोर्ट ऑर्डर करती थी, उनको जांच करनी पड़ती थी। उस वक्त तो आप ही सत्ता में थे भाई, और आज देश में अदालतें हैं। अगर किसी को अन्याय हो रहा है तो अदालत में जाइए, अदालत सुनेगी आपको। मगर वास्तविकता यह है कि 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले कर अपने घर भर कर बैठे हुए लोग जांच से डरते हैं और इसीलिए ये हवा खड़ा करते हैं एजेंसियों का। मैं आज उनको कहना चाहता हूं, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले किए, सैकड़ों जांच आपके सामने हुई, जेल में जाना पड़ रहा है, 23 साल से नरेंद्र मोदी सत्ता पर है, मुख्यमंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, 10 साल से हमारी सरकार है, 1-4 आने का भी आरोप नरेंद्र मोदी पर हमारे विरोधी भी नहीं लगा पा। हमने पारदर्शिता से शासन किया है। और मैं आज फिर से एक बार कहना चाहता हूं विपक्ष के मित्रों को, आपके खोखले प्रचार के साथ जनता आने वाली नहीं है, आप इससे एक्सपोज हो रहे हो, आप कानून का साथ नहीं दे रहे हो। अगर आपको कोई ग्रीवेंसेस है तो अदालतों में जाना चाहिए, वहां से प्रोटेक्शन लेना चाहिए, मगर आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, वो तो ठीक नहीं हो रहा है। मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूं। जहां तक संदेश खाली का सवाल है, मैं मानता हूं संदेश खाली की घटनाओं ने बंगाल के शासन को 100% एक्सपोज कर रख दिया है। एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में जिस तरह से धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण हुआ है, वो सहन ही नहीं किया जा सकता। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, एड़ी चोटी का जोर लगाकर लड़ेंगे और बंगाल में हम परिवर्तन कर करेंगे। आपने संदेश खाली पे जो कहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह जी। सब लोग सुनना भी चाहते थे और आज आपकी जो मैसेज है बहुत क्लियरली जा चुकी है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि संदेश खाली के महिलाओं के साथ जिस तरह का अत्याचार हुआ है, और ये अब नहीं, 1-2 महीने से नहीं, ये कई सालों से चल रहा है। और जब हमारी टीम भी वहां गई तो हमारे रिपोर्टर भी अरेस्ट हो गए, और रिपब्लिक बांग्ला ने जब सच दिखाया तो हमको भी कुचलने की कोशिश की गई थी। मगर आपने जो आज मैसेज दिया है बहुत बड़ी बात है। बंगाल की परिस्थिति पर मैं चाहता हूं थोड़ा और आप बताएं, आप बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर, संदेश खाली नहीं, इसको आप कैसे देखते हैं?
हर दिन ऐसे न्यूज में इस तरह की घटनाएं आ रही हैं आजकल। देखिए, बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है, हम सब जानते हैं कि घुसपैठ की समस्या सबसे ज्यादा अब कोई एक राज्य में बची है तो बंगाल में बची है। और मैं बिल्कुल विश्वास के साथ देश की जनता को तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं कि बंगाल से जो घुसपैठ होती है वो स्टेट स्पॉन्सर घुसपैठ है, इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत। स्टेट स्पॉन्सर्ड इन्फिल्ट्रेशन, अपनी वोट बैंक की राजनीति को बढ़ाने के लिए, अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखा जा रहा है। ये बहुत गंभीर समस्या है और बंगाल की जनता भी उसको मान रही है। मैं आज पूरे देश भर के लोगों को बताना चाहता हूं कि देश ने बंगाल के साथ खड़ा रहने की जरूरत है, वहां गंभीर समस्या है जी। ये बॉर्डर स्टेट को हम सब ने गंभीरता से लेने की जरूरत है। बंगाल में भी जागरूकता आई है, हम एक भी सीट नहीं थे, हम 18 जीते, इस बार हम 25 का आंकड़ा पार कर पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे 2 MLA थे, 77 बने हैं, मजबूत विपक्ष के रूप में हमारी भूमिका अदा कर रहे हैं। बंगाल में जो शासन है वो भ्रष्टाचारी है, बंगाल में जो शासन है वो धर्म के आधार पर एपिसमेंट करने वाला शासन है, बंगाल में जो शासन है वो न्यायी शासन है। देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि वहां परिवर्तन हो और भारतीय जनता पार्टी वहां संघर्ष कर रही है। मैं बंगाल की जनता को भी विनंती करने आया हूं कि आप हमारा समर्थन करिए, मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी मजबूत प्रतिनिधित्व बंगाल से एक बार भेजिए। हम बंगाल को फिर से सोनार बंगला बनाना चाहते हैं, उसमें आपका साथ और जी। ये बहुत बड़ी बात कही है आपने, 2 हेडलाइन तो है। पहली बात उन्होंने कही कि सरकार की, राज्य सरकार की स्टेट स्पॉन्सर्ड इन्फिल्ट्रेशन है, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हर बार स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि BSF का दोष है। और दूसरी बड़ी बात आज आपने कही कि 18 नहीं 25 से ज्यादा, 42 में से आउट ऑफ 42 मोर देन 25 सीट्स ही सेज इज गोइंग टू बी द टारगेट फॉर द BJP इन बंगाल, दैट्स अ बिग हेडलाइन। अमित शाह जी, राम मंदिर, धारा 370 और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन लॉ, ये ऐसा मुद्दा है अमित शाह जी, जब भी हम कोई हमारे नेटवर्क पे इस पर बात करते हैं हर बार मिनटों के अंदर ये सब्जेक्ट ट्रेंड करता है, यानी कि बहुत मास सपोर्ट है। आप इधर ही हमारे ऑडियंस को पूछ ले, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए टाइडल वेव ऑफ सपोर्ट है। तो एक हर बार जब, और आपको नहीं, आप ही इस पर हमें क्लैरिटी देते, राज्यों में हो रहा है, अभी उत्तराखंड की बात हुई कि एक एक करके राज्यों में होगा, मगर कई लोग चाहते हैं कि जैसे ट्रिपल तलाक वॉज अ नेशनल लेवल पे चेंज की गई, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में कब आएगी, इस पर प्लान क्या है, इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं, उसके पहले आप अगर थोड़ी क्लैरिटी दे दें तो। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जी धर्म के साथ जोड़कर दिखा गया है। मैं आज देश की जनता को बताना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा तो है ही, जब से हमारी पार्टी की स्थापना हुई 1950 से, तब से हम कहते हैं कि हम पावर में आएंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के अंदर लाएंगे। परंतु संविधान सभा ने भी आर्टिकल 44 में, आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट में एक कहा है कि इस देश के विधानमंडल और संसद उचित समय पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे जी। अगर आप पंथ निरपेक्ष देश की कल्पना चाहते हैं, पंथ निरपेक्ष राज्य की कल्पना चाहते हैं, तो धर्म के आधार पर कानून कैसे हो सकता है? धर्म के आधार पर कानून नहीं हो सकते। इस देश में एक कानून होना बहुत जरूरी है जी। और उत्तराखंड सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की निवर्तमान न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, लगभग 780 पन्नों की रिपोर्ट आई है, उसमें 42 चैप्टर है, और उसमें से एक बिल बनाकर
उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड की असेंबली ने इसको पारित किया है, जो भारत सरकार में स्वीकृति के लिए आया है। कुछ ही दिनों में इसको हम स्वीकार भी कर लेंगे और उत्तराखंड ऐसा राज्य होगा देश में जहां सबसे पहले यूसीसी लागू हो जाएगा। आपने जो सवाल किया कि देश भर में कब लागू होगा, राष्ट्रीय स्तर पर जी, देखिए ये बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, इस देश में हर चीज पर बहस होनी चाहिए। ये जो यूसीसी का बिल उत्तराखंड सरकार ने कानून पारित किया है जी, उस कानून की सोशल स्क्रूटिनी होनी चाहिए, इस कानून की लीगल स्क्रूटिनी होनी चाहिए और इस पर व्यापक बहस भी देश भर में होनी चाहिए, सभी दलों में भी होनी चाहिए, सभी धर्मों के मुखियाओं के बीच में भी होनी चाहिए। उसके बाद इसकी सोशियो लीगल स्क्रूटिनी के बाद कुछ टीथिंग प्रॉब्लम अगर आएंगे तो इसको दूर कर देश के सभी विधानमंडल इसको लागू करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। परंतु मैं निश्चित रूप से देश की जनता को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारिका तक इतने बड़े देश के हर चप्पे चप्पे पर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और ये देश एक कानून से चले। तीसरे टर्म में हो जाएगा एक टारगेट। देखिए जी, मुझे ना टीआरपी बनानी है ना मैं जोत से हूं, तो ये तो जनता को ही तय करने दीजिए आप। मैंने रोड मैप मेरी पार्टी का जो है वो बताया। क्या आपको लगता है, एक फॉलो अप सवाल, कि इंडिया कैनॉट बी ट्रूली सेक्युलर विदाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड? अगर हम सेक्युलर देश हैं, असली सेक्युलरिज्म तो तभी होगी व्हेन ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री आर गवर्न्ड बाय वन लॉ। क्या आप मानेंगे कि हम सेक्युलर तभी बन सकते हैं पूरी तरह से, जब एक कानून बने सबके लिए? कानून के आधार पर कोई देश पंथ निरपेक्ष नहीं बन सकता, देश की जनता ही पंथ निरपेक्ष। हम सालों से पंथ निरपेक्ष रहे हैं, हमारे यहाँ धर्म हमेशा राज्य का विषय नहीं रहा है, धर्म व्यक्ति का विषय रहा है और धर्म व्यक्ति को बड़ा बनाने की दिशा में ले जाता है, ये कभी राज्य का विषय हजारों साल से भारत में नहीं रहा है। ये हमें क्या पंथ निरपेक्षता सिखाएंगे, हम हजारों सालों से इसी तरह से जी रहे। परंतु डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर पूरे देश के लिए कानून होना बहुत जरूरी है और मैं मानता हूं कि ये जितना हो सके उतना जल्द हो जाना चाहिए। मैं अपना एक इंटरप्रिटेशन करता हूं आपने जो कहा, क्योंकि मैं कई बार आपके साथ जो इंटरव्यू की थी 370 हटाने के पहले, कई बार मैं पूछता था और इसी फोर्स, इसी पैशन और इसी स्टाइल से वो कहते थे कि हम पूरी तरह से कमिटेड है। और मुझे अभी भी याद है अमित शाह जी कि जिस सुबह 370 और 35A को अबॉलिश की गई, उस सुबह तक लोग कह रहे थे ये कभी नहीं हो सकता है, कश्मीर जल जाएगा। मुझे आज लग रहा है आप उसी फोर्स और पैशन के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कह रहे हैं और हमें अभी भी उम्मीद है। ये अर्णव बाबू का इंटरप्रिटेशन है। नहीं नहीं, मुझे देखिए अमित शाह जी, देखिए मैं थोड़ा इनफॉर्मली आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन आपने, आप तो सरकार के बिल्कुल अंदर हैं, आप सरकार चलाते हैं, बाहर के लोग कोई विश्वास नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा चेंज हो सकता है। और आपकी क्लिप जो अभी हमने प्ले की, जो वायरल हुई और अभी तक वायरल है, आपको पता है वो पाकिस्तान वाली क्लिप की, वो ये किसी ने विश्वास नहीं किया था। मुझे लगता है चेंज तो आप ला सकते हैं एंड आई थिंक यू विल ब्रिंग द चेंज ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। चले, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। अमित शाह जी, बंगाल में ही नहीं पूरे देश में, गृहमंत्री जी, CAA कब लागू होगा? क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कभी भी लागू हो सकता है और आपका बयान भी आ चुका है कि CAA लागू होकर रहेगा, तो इस पर कोई टाइमलाइन आप कह सकते हैं कि कब होगा? मैं फिर से कहता हूं, CAA ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा, इस चुनाव के पहले होगा, इस चुनाव के पहले होगा। ये बहुत बड़ी बात कही आज, मैं तो ये कह सकता हूं कि ये हाहाकार हो गई आपने जो बात अभी कही है, गृह मंत्री जी ने बहुत बड़ी बात हम सबके सामने कही। प्रणव जी, तालियां बज गई, कोई धमाका नहीं, ये बात मैं 10 बार बता चुका हूँ। मगर आप चुनाव के पहले CAA लागू होगा, इस देश का कानून है, इसको कोई नहीं रोक सकता। फैंटास्टिक,
तो नोटिफिकेशन बस आने वाली है, फिर आपको लगता है नोटिफिकेशन तो बस आने वाली है। देखिए हमें तो ब्रेकिंग न्यूज चाहिए ना, आपने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है, आदत से मजबूर हम भी हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और मुझे लगता है सब लोग इस पर जरूर बात करेंगे और इसका प्रभाव क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर आप संक्षिप्त में इस पर कुछ कह सके। देखिए सीए कानून कोई नई बात नहीं है जी, कांग्रेस पार्टी कई चीजों को भूल गई है, वोट बैंक की लालच में कई चीजें भूल गई है, जैसे यूसीसी जी जी संविधान सभा का वादा था, इसी तरह से जब देश का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से धर्म के आधार पर विभाजन हुआ जी, तब पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश से लाखों लाखों की संख्या में हिंदू बौद्ध सिख शरणार्थी आ रहे थे और मार काट हो रही थी, कांग्रेस के ही नेताओं ने देश के नेताओं ने एक वादा किया था, आप धैर्य रखिए आप कभी भी यहाँ आएंगे आपको ये देश स्वीकार करेगा आपको नागरिकता देगा, इस वादे पर सभी लोग वहां रहे जी, उनके पर अनेक प्रकार के अत्याचार हुए, धार्मिक प्रताड़ना हुई, धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया, उनकी महिलाओं को हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया गया, वो लोग बदले के लिए भारत की शरण में आए और अगर आज भारत अपने वो वादे को जो 15 अगस्त 1947 में किया गया है उसको याद नहीं करता है तो वो ठीक नहीं होगा। करोड़ों लोग इस देश के अंदर नागरिकता के बगैर रह रहे हैं जो वहां से प्रताड़ित, मुझे कोई बता सकता है, ममता बनर्जी बता सकती है कि वो कहां जाए, कहां जाएंगे वो लोग, वहां उनकी सुरक्षा नहीं है, उनकी महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, हम भी शरण न दे जी, हम भी उनका स्वागत न करें, भारत में स्वागत है, भारत उनको नागरिकता की भी देगा और मेरे आपके जितना अधिकार भी देगा और स्वागत करेगा। इतनी खुलकर बातचीत हो रही है, लोग कह रहे हैं सरकार मीडिया से बात नहीं करती, बहुत एक एक न्यूज पॉइंट हमें मिल रहे हैं, वी आर वेरी हैप्पी। तो अमित शाह जी आप बहुत डायरेक्टली बात कर रहे हैं, बहुत खुलकर बात कर रहे हैं और ये इसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल हैं। अमित शाह जी ये देश में बंटवारे की राजनीति पर सवाल है, ये बहुत डिबेट हो रहा है, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि हमारा स्लोगन है, वी बिलीव इन नेशन फर्स्ट, मगर देश में उत्तर दक्षिण की राजनीति हो जाती है, कोई चुनाव के बाद बांटने की राजनीति हो जाती है, सनातन धर्म और हिंदुओं को जाति में बांटने की कोशिश हो रही है और राहुल गांधी लगातार ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं, आप लोग विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, इस तरह की डिवाइसिव पॉलिटिक्स ये ट्रेंड क्यों बन गई है, ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स पर आप क्या कहना चाहते हैं जो इस बार भी हो रहा है? देखिए भारत जोड़ो के बैनर के तरह तहत भारत तोड़ने की एक्सरसाइज चल रही है, मुझे मालूम नहीं है एक कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है, इतनी पुरानी पार्टी, उनका कोई प्रमुख नेता कहता है हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दो, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, और कांग्रेस पार्टी चुप रहती है, साफ सुन गया ऐसे चुप रहती है, मुझे तो आश्चर्य हो गया है ये पार्टी को क्या हो गया है, इनके अलाई पानी पी पी कर सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए जहर उगलने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी रोकती भी नहीं है, ना मादा है ना हिम्मत है ना इच्छा है, और यात्रा लेकर निकलते हैं भारत जोड़ो की, देश की जनता ढंग से समझ ले इनका एकमात्र लक्ष्य है सत्ता प्राप्त करने का, एपीसमेंट कर सत्ता प्राप्त करने का, वो भारत को एक नहीं रख सकते, भारत को एक केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी रख सकते हैं। और मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भारत को तोड़ने की बात करी है, जिन लोगों ने विश्व के सबसे पुराने धर्म के जी पुरानी संस्कृति को और पुरानी परंपराओं को अपमानित करने की बात की है, इनको देश की जनता को पहचान लेने की भी जरूरत है और दंडित करने की भी जरूरत है। आने वाले चुनाव में मैं चाहूंगा
कि कांग्रेस के नेता अगर हिम्मत है तो इनके भारत तोड़ो की ये सारी घटनाओं का रिपीटेशन चुनावी मंच पर से करें। वो कोई नेता के मुंह से कुछ निकल गया इसका खंडन भी नहीं करते, पार्टी को अपने आप से अलग नहीं करते, इसका मतलब आपकी पार्टी का एजेंडा ही ये है, आपकी पार्टी का उद्देश्य ही है। और ओबीसी के लिए तो बोलने का कांग्रेस पार्टी को अधिकार ही नहीं। कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश के पिछड़ा वर्ग को सबसे ज्यादा अन्याय किया है। 50 साल तक काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को आप दबाकर बैठ गए, इसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आप दबाकर बैठ गए। जब मंडल कमीशन लागू हुआ देश में, राजीव गांधी ने 1 घंटा और 40 मिनट इसके विरोध में भाषण किया था। कांग्रेस पार्टी 55 साल तक सत्ता पर रही, कभी भी ओबीसी को संवैधानिक स्टेटस नहीं दिया, ओबीसी आयोग की रचना नहीं की, नीट की और केंद्र सरकार की परीक्षाओं में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया। ये सारा काम हुआ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और एकमात्र सरकार है जिसमें 27 ओबीसी मंत्री बैठे हैं। और राहुल गांधी देश को जॉइंट सेक्रेटरीज गिना रहे हैं, सेक्रेटरीज गिना रहे हैं जी। मैं इनको बताना चाहता हूं, अभी जो भारत सरकार में सेक्रेटरी बना है वो आपके शासन में भर्ती हुआ है, वो प्रमोट होते होते यहां सेक्रेटरी बना है, आप हमें क्या दोष रहे हो। इनको देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है वो दिखाई नहीं पड़ता, देश की कैबिनेट में 27 मंत्री है वो दिखाई नहीं पड़ते, किसी एनजीओ ने पकड़ा दिया कि इतने सेक्रेटरी ओबीसी है वो रटे जा रहे हैं। और देश की जनता भी बहुत एंटरटेनमेंट के भाव से उनको सुन भी रही मगर वास्तविकता देश की जनता भी जानती है कि ओबीसी का, पिछड़ा वर्ग का जितना विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया है, अन्याय जितना कांग्रेस पार्टी ने किया है, इतना किसी और राजनीतिक दल ने नहीं किया। अगला सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ सवाल मेरा यह है कि पिछले 5 साल में गृह मंत्रालय ने FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेकर बहुत सख्त कार्रवाई की है। होम मिनिस्ट्री का अपना डेटा है कि 16,000 NGOs का NGO जो है उनके FCRA लाइसेंस को कैंसिल किया गया है, उसके साथ साथ टेरर फंडिंग, NGO फंडिंग पर रोकने की कोशिश हुई है, लेकिन शायद पूरी सफलता नहीं मिली। इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है? एक तो जो ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड सेल होते हैं, नेक्सस है, इसके फॉर्मूले को तोड़ने की कोशिश है, या NGO को टारगेट किया जा रहा है वो कहते हैं, तो इस पर अगर आप देखिए, आप दो चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं। अच्छा, FCRA को हमने कानून में परिवर्तन किया, कानून को में परिवर्तन करने का हमारा उद्देश्य था कि FCRA का उपयोग कर विदेशों से चंदा लाकर, डोनेशन लाकर इस देश की डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास नहीं होना चाहिए। एक, सेवा के लिए अगर कोई पैसा भेजता है, सेवा कार्य के लिए करता है, व्यक्ति समूह के उत्थान के लिए भेजता है, तो उसका स्वागत है। हमने कठोर नियम बनाए, ऑडिट कंपल्सरी किया और ऑडिट को रेगुलर, इसके आधार पर ये सारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं। कुछ लोगों ने तो 16,000 में से 12,000 लोगों ने स्वतः ही कैंसिल करा दिया, भारत सरकार ने नहीं किया है, वो स्वतः विड्रॉल का अर्जी डाले हैं। तो 4,000 ऑडिट के आधार पर कैंसिल किए हैं। तो जो लोग हाय तोबा करें उनको मेरा यही कहना है कि कानून की परिधि में रहकर कोई भी व्यक्ति कितना भी चंदा विदेश से लाए, भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। वो देश के नागरिकों के और देश के समाज के उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए, देश की जनसांख्यिकी बदलने के उद्देश्य से खर्च नहीं होना चाहिए। अगर जनसांख्यिकी के बदलने के उद्देश्य से खर्च होगा तो हम कठोर से कठोर कार्यवाही करेंगे, इसमें हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। जहां तक टेरर फंडिंग का सवाल है, 1914 से हमने टेररिस्ट एक्टिविटी और टेररिस्टों के इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के क्रमबद्ध कदम उठाए हैं। हमने NIA को, ED को, दोनों को टेरर लिंक्स, हवाला के जरिए पैसा आने वाले टेरर फंडिंग और नार्को टेरर लिंक्स को पकड़कर
उसको खत्म करने की दिशा में एक्टिव किया है। सैकड़ों रेड्स हुई हैं और बहुत कठोरता के साथ उनके फंडिंग के फ्लो को बहुत पतला करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। ऐसी चीजें जो सार्वजनिक चर्चा में नहीं आती है, मगर मैं कहता हूं कि मोदी जी की सरकार की बहुत बड़ी सफलता है कि हमने टेररिज्म के लिए आने वाले फंड को लगभग लगभग सूखा नहीं दिया है, समाप्त कर दिया है। ये हमारी बहुत बड़ी सफलता। इसी से जुड़ा सवाल कि नक्सलवाद से भारत को और भारत के लोगों को संपूर्ण छुटकारा कब मिलेगा? देखिए, मैंने कहा है, पहले भी कहा है कि तीन साल के अंदर, आने वाले तीन साल के अंदर, इसका मतलब मोदी थ्री में देश नक्सलवाद से पूर्णतया मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय रखने की जरूरत। तीन साल। अमित शाह जी, एक ट्रेंड और एक है, और ये इसको लाइटली भी लिया जा सकता है, मगर मैं इसको सीरियसली लेता हूं, क्योंकि वी आर नेशनलिस्ट, हम राष्ट्रवादी हैं, मगर आजकल एक ट्रेंड बना है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। ये कॉन्सेप्ट लोग इलेक्शन रैलीज में स्टेट लीडर्स बोल रहे हैं। अभी अभी जैसे डीएमके के ए राजा ने कहा, इंडिया इज नॉट अ नेशन। मैं हिंदी में इसका, इंडिया इज नॉट अ नेशन। अर्णब बाबू, आप लोग इससे डर सकते हो, मैं नहीं डर सकता। नहीं, डरने की बात नहीं। ये देश सालों से चल रहा है, दुनिया का सबसे पुरानी सभ्यता है। इस देश को ऐसे जी कुछ लोग बोलकर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जनता तय कर लेगी, देश में लोकतंत्र है, ऐसा जो बोल रहे हैं जनता ही उसको जवाब दे। मैं आपकी बात को मानता हूं, मगर इस पर थोड़ा सा, थोड़ी सी चर्चा हुई, सेंट्रल स्टेट फेडरल स्ट्रक्चर, इसकी बात होती है कि अगर हर बार कई विपक्ष के नेता, राज्य स्तर के नेता ये कहे कि भारत एक राष्ट्र नहीं, तमिलनाडु राष्ट्र है, मगर भारत राष्ट्र नहीं है, तो और राहुल गांधी, आप कहेंगे उनकी बात को सीरियसली क्यों लिया जाए, क्योंकि वो विदेश में जाकर हर जगह राहुल गांधी बोलते हैं, हर जगह हम चौंक जाते हैं कि कोई भी वो विपक्ष के नेता है, फॉरेन सॉइल पे वो जाकर कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम में कहते हैं कि भारत राष्ट्र नहीं है, इट इज अ नेगोशिएशन। और ये सीरियसली बात, इसको मतलब इस पर रिस्पॉन्ड कैसे किया जाए या इसको इग्नोर किया? ऐसा है अर्णव जी, इसमें जनता को रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं, कांग्रेस पार्टी ने रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है, नेता बदल दे, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। अमित शाह जी, आजकल हर जगह और एक चर्चा है कि इंडिया डज नॉट हैव एन ऑपोजिशन। एज द मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, एंड वी मस्ट कॉम्प्लीमेंट अमित शाह जी फॉर बिल्डिंग व्हाट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। और मुझे अभी भी याद है, एक बार मैं इन्हें मिलने गया था तो इन्होंने मुझे आंकड़े दिखाए थे और समझाया था कि ऐसे विद इन दिस फ्यू मंथ्स इस प्लान के साथ कार्डर बेस, मेंबरशिप बेस बना के वी विल मेक बीजेपी द लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी ऑन अर्थ, एंड ही हैज अचीव्ड इट। तो अमित शाह जी, दैट इज वेरी गुड, बट कभी कभी एज इन अ डेमोक्रेसी इज इट नॉट अ जेन्युइन वरी कि मतलब कि देश में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है? एज अ पोलिटिकल एनालिस्ट आप कैसे देखते हैं इसको? ऐसा है, मैं भी मानता हूं देश में मजबूत विपक्ष होना चाहिए जी, मगर मैं नहीं बना सकता। सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष की रचना संवैधानिक है, वो देश की जनता बनाती है। हम भी विपक्ष में बैठे हैं, जनता ने हमें विपक्ष बनाया था, आज जनता ने हमें अधिकार दिया है। तो विपक्ष को मजबूत बनाना या निर्बल बनाना, उनके काम के आधार पर देश की जनता तय करती है, कोई सरकार तय नहीं कर सकती, कोई पार्टी तय नहीं कर सकती। हम संवैधानिक व्यवस्था से जीने वाला राष्ट्र है। मैं इतना ही कर सकता हूं कि विपक्ष निर्बल हो तो भी भारतीय जनता पार्टी हर रोज आत्मचिंतन करती रहे, हमारे अंदर अहंकार न आए, हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार न आए, हमारे यहाँ परिवारवाद न आए, और हम लोकतांत्रिक मूल्यों को संभाल कर इसका जतन कर कर आगे बढ़ते रहे। हम इतना ही कर सकते। विपक्ष को मजबूत करना, रखना, नहीं रखना, ये सब देश की जनता को तय करना है, सब पार्टियों का परफॉर्मेंस देखकर। और देश की जनता, मैं मानता हूं कि बहुत मैच्योर डिसीजन लेती है जी, ये बड़ी बात है। मगर क्योंकि क्योंकि लोकतंत्र में एक विपक्ष होना और विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। आप आज से 5-10 साल बाद किसको विपक्ष देखते हैं, मतलब हू डू यू थिंक विल बी द ऑपोजिशन टू द बीजेपी? देखिए, इतना दूर का आकलन
कोई नहीं कर सकता, सिर्फ करने के खातिर कोई कर सकता है। देश में एक प्रकार से बहुत डायनेमिक डेमोक्रेसी है जो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करकर अपना मैंडेट देती है। तो देश की जनता का मूड और देश की जनता का मैंडेट पहले एक जमाने में जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण के आधार पर तय होता था। अब मोदी जी ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश किया है। परफॉर्मेंस के आधार पर ही देश की जनता तय करेगी। जो परफॉर्म करेगा देश उसको अधिकार देगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो विपक्ष में बैठेगा। उस वक्त का 10 साल के बाद का विपक्ष या सत्ताधारी पक्ष भी हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर ही देश की जनता तय करेगी। हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम अधिकार में होंगे। हम में पैदा हो रही बुराइयों को अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो विपक्ष अधिकार में होगा। वो 10 साल के बाद देश की जनता है। मगर जी 10 साल आपने पूछा इसलिए मैं मेरा एक आकलन कह रहा हूं, 10 साल तक तो मोदी ही है। हेडलाइन 10 साल तक मोदी जी हैं। ये बहुत बड़ी बात अमित शाह जी ने आज कही है और हर बात जो कह रहे हैं इस बहुत गंभीरता के साथ और सोच कर कहते हैं। अमित शाह जी अपने शब्दों को बहुत मतलब सोच समझ के कहते हैं। ये इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। तो ये जो बात कही इसके साथ अमित शाह जी, हम चाहते हैं, हमने कहा था आज कि जो हमारे सेशंस में आ जाएंगे उनको एक सेंस मिलेगा। और मेरा आखिरी सवाल ये होता है कि सरकार में कैसे काम हो रहा है अगले दशक के लिए। हमारा हमारी जो थीम है अमित शाह जी, इट इज भारत द नेक्स्ट डेकेड। और आपने परफॉर्मेंस असेसमेंट की बात कही, पहली बार हमें लग रहा है कि सरकार ऐसी बनी है देश में जो अपने परफॉर्मेंस को असेस करते हैं, जिसमें क्वार्टरली मीटिंग, डेली मीटिंग, वीकली मीटिंग्स। पीयूष गोयल जी भी बोलते हैं कि मैनेजमेंट असेसमेंट परफॉर्मेंस की रिजल्ट एरियाज KRA इस तरह से काम हो रहा है। तो आप अगर एक थोड़े एज एन इनसाइडर आप एक सेंस दे सके कि काम कैसे हो रहा है और किस विजन के साथ हो रहा है तो विल बी वेरी ग्रेटफुल। देखिए आजादी के अमृत महोत्सव का मौका जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव का उपयोग बहुत विजनरी तरीके से किया है। एक युग दृष्टा नेता ही ऐसा सोच सकता है, इस तरह से किया है। अमृत महोत्सव का उपयोग कर उन्होंने देश की नई पीढ़ी को आजादी के आंदोलन का पूरा इतिहास याद कराया। आजादी के आंदोलन के नेताओं का जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, उनका महिमा मंडन किया। अब तक 75 साल में हमने जो अचीव किया है उसका आत्मबोध कराकर देश की जनता के अंदर एक गौरव का भाव पैदा किया। और 2047 में देश पूर्ण विकसित बनेगा इसका लक्ष्य तय कर 130 करोड़ की जनता को अमृत काल में, मतलब 25 साल में देश को दुनिया में सबसे एक नंबर का देश बनाने का संकल्प लिलाकर एक पूरी 130 करोड़ की जनता को भारत निर्माण की यात्रा में जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप मुझे एक दशक का पूछ रहे हैं मगर मैं बताना चाहता हूं 25 वर्ष के बाद शायद हम तो नहीं होंगे मगर इस देश के युवा होंगे। ये युवा देख पाएंगे कि हर क्षेत्र में भारत प्रथम होगा, भारत सुरक्षित होगा, समृद्ध होगा, पूर्ण शिक्षित होगा और पूरा विश्व जिसका लोहा मानता है इस प्रकार के भारत की हम रचना करेंगे। और हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा धर्म, हमारी भाषा पूरी दुनिया के अंदर सम्मान के साथ देखी जाएगी। सबके साथ सह अस्तित्व रखते हुए हमारा जो पुराना है उसका गौरव भी हम पुनः प्रस्तापित करेंगे। ऐसे भारत की रचना ये 25 साल में करने का लक्ष्य मोदी जी ने रखा है। कोई एक पार्टी का लक्ष्य नहीं है, 130 करोड़ भारतवासियों का सामूहिक का लक्ष्य नहीं है, 130 करोड़ भारतवासियों का सामूहिक लक्ष्य है। सामूहिक पुरुषार्थ से ही ये
अचीव हो सकता है और इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में अर्णव जी आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, आज आपका जन्मदिन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।